हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग एवरेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि हमारी यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटीज लाइक महात्मा गांधी, काशी विद्यापीठ, हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज, DDU, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर, लखनऊ यूनिवर्सिटी, यूपी कॉलेज और भी कई सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। अगर बात करें कोर्सेज की, तो कोर्सेज में BA, BSc, BBA, BCom, इन सारे कोर्सेज में जिन बच्चों ने एनरोल किया है वो बच्चे इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर 65, 85, 70, 90 एंड 105। तो बच्चों, इन नंबर्स का हमें एवरेज खोजना है। तो बच्चों, एवरेज क्या होता है? एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन टोटल नंबर। एवरेज हमारे ये होता है, तो हम क्या करेंगे, 65 प्लस 85 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 105 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 5, इन सबको जोड़ते हैं। इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 415 डिवाइडेड बाय 5। इसको इससे डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा, 83। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ 10 नंबर इज 550, फाइंड द एवरेज नंबर। तो 10 नंबर का सम 550 है, तो इस नंबर का एवरेज कितना होगा? तो बच्चों, जैसा कि हमने बताया था, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन टोटल नंबर, ये होता है एवरेज। तो सम है हमारा 550, ठीक है, टोटल नंबर है हमारे पास 10, 0 से 0 काट दिया तो 55 आंसर होगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, What is the average of natural number from 1 to 67? 1 to 67 का, 1 to 67 natural number का average कितना होगा? तो बच्चों, average of n natural number is equal to n plus 1 upon 2 होता है। तो यहां पे हम लोग n को 67 ले लेंगे, तो 67 प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा, तो ये 68 अपॉन 2 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 34। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे चलते हैं। द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर इज 20, 7 कंसेक्यूटिव नंबर का एवरेज 20 है। तो व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स, तो इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? तो बच्चों, हम लोग मान लेते हैं, लेट 7 कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या होंगे, बी x plus 1 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 6 डिवाइडेड बाई, टोटल नंबर ऑफ नंबर कितने थे, 7 थे, इज इक्वल टू 20 हो गया, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन क्या बनता है, इक्वेशन बनता है 7x प्लस 21 इज इक्वल टू 140 कैसे हो गया, यहां से 7 उठ के 20 में मल्टीप्लाई हो गया। आगे देखते हैं,
सेवन एक्स इज इक्वल टू 119, एक्स इज इक्वल टू 119 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 17। तो बच्चों हमारा लार्जेस्ट नंबर जो होगा, लार्जेस्ट नंबर वो क्या होगा, x प्लस सिक्स होगा। तो देख लेते हैं, 17 प्लस सिक्स इज इक्वल टू 23। तो बच्चों हमारा आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 23। 10 नंबर का एवरेज 23 है। तो इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाई 4, अगर हर नंबर को 4 से बढ़ा दिया जाता है तो व्हाट विल बी द न्यू एवरेज, तो नया एवरेज क्या होगा। तो बच्चों देखते हैं, एवरेज ऑफ 10 नंबर इज इक्वल टू 23 है। तो एवरेज क्या होता है, सम अपॉन टोटल नंबर इज इक्वल टू 23, यही होगा। तो इनका सम क्या हुआ, सम ऑफ द 10 नंबर 230 हो गया, ठीक है। अगर हर नंबर को 4 से बढ़ा दिया जाता है तो 4 इंटू 10 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 10 नंबर है, ठीक है। तो ये 40 हो गया। तो हमारे पास नया सम क्या आया, न्यू सम क्या आया, 230 प्लस 40 इज इक्वल टू 270। और हमारे पास नया एवरेज क्या आया, 270 अपॉन 10 इज इक्वल टू 27। तो हमारा नया एवरेज जो आया वो ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, द एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 20। 50 नंबर का एवरेज 20 है। इफ टू नंबर इज 37 एंड 43 आर डिस्कार्डेड, इसमें से दो नंबर 37 एंड 43 को डिस्कार्ड कर दिया गया, तो हमारा नया एवरेज क्या होगा। तो बच्चों जैसे हम लोग जानते हैं, एवरेज होता है सम अपॉन टोटल नंबर, हमारा एवरेज यही होता है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास सम नहीं है, हमारे पास टोटल नंबर है और एवरेज है, ठीक है। तो इसका सम देख लेते हैं, सम कितना होगा, 20 इंटू 50 इज इक्वल टू 1000 हुआ। दो नंबर डिस्कार्ड किया गया था, तो 1000 माइनस 37 माइनस 43 कितना आया, 920। तो 50 में से दो नंबर डिस्कार्ड किया गया है, 920 डिवाइडेड बाई 48। इसको काटेंगे अगर तो हमारा आंसर आएगा 19.17, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट सिक्स मल्टीपल ऑफ 4। पहले सिक्स मल्टीपल ऑफ 4 का एवरेज कितना होगा। तो बच्चों मल्टीपल ऑफ 4 क्या होते हैं, 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 24। ये हमारे सिक्स मल्टीपल हो गए 4 के, ठीक है। इनको ऐड कर दिया तो टोटल आता है 84। 84 को अगर 6 से डिवाइड किया जाए तो आंसर आएगा 14, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, मीन ऑफ 8 नंबर इज 38.8 एंड द मीन ऑफ 7 नंबर इज 39.2, व्हाट इज द 8th नंबर। तो बच्चों इस पहले तो हम लोग इनका सम देख लेते हैं, मीन बोलिए या सम बोलिए एक ही बात होगी, सम ऑफ 8 नंबर इज इक्वल टू 38.4 मल्टीप्लाइड बाई 8 एंड सम ऑफ 7 नंबर इज इक्वल टू 39.2 मल्टीप्लाइड बाई 7।
इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 307.2 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 274.4 आएगा। इन दोनों का अगर डिफरेंस निकाल दें तो हमारा 8th नंबर निकल जाएगा। एट नंबर 307.2 एंड 274.4, 12 में 4 गए, 8, 6 में 4 गए, 2, 10 में 7 गए 3, 32.8। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इन 7 गिवन नंबर्स द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज 4 एंड दैट ऑफ द लास्ट 4 नंबर इज आल्सो 4। इफ द एवरेज ऑफ दीज 7 नंबर इज 3 द फोर्थ नंबर इज। तो बच्चों बहुत ही सिंपल है, पहले 4 नंबर का एवरेज जो है वो 4 है और लास्ट के 4 नंबर का एवरेज जो है वो भी 4 है, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो 7 नंबर्स हैं उनका एवरेज जो है वो 3 है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 16 + 16 - 21, ठीक है, 32 - 21 = 11। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 6 and 34 विच आर डिविजिबल बाई 5। तो उन सारे नंबर का एवरेज निकालना है जो कि डिविजिबल बाई 5 है और 6 और 34 के बीच में आते हैं। तो 6 और 34 के बीच में कौन से नंबर आएंगे, 10 + 15 + 20 + 25 + 30। टोटल नंबर कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 upon 5। इनको ऐड किया जाए तो आता है 100, 100 अपॉन 5, 2, 5 टू जा 10, तो हमारा आंसर हो गया 20, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।